दोस्तों, मैं संजीव कुमार, शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो चैप्टर नंबर 9 पर बेस्ड है और चैप्टर नंबर 9 का पूरा फाइनल शॉट इस वीडियो में हम बनाएंगे। और ये चैप्टर, जैसा कि सब लोगों को पता कि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, जिन लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा है या सेलेक्टेड पढ़ना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन भी बताएंगे और उसका साथ ही सोल्यूशन भी बताएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और उन स्टूडेंटों के लिए भी जो इस चैप्टर से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, तो वो लोग इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको पढ़नी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या। पहले तो आप पूरा देख लीजिए कि इस चैप्टर में सिलेबस कितना था या इस चैप्टर में पढ़ना कितना है। इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो आपको दर्पण वर्पण की परिभाषा तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, जहाँ से हमारा ये क्वेश्चन बनना शुरू होता है, ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ व वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो आर इजकल टू होता है 2f। गोली यानी कि गोलीय दर्पण की त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या इसको आप कह सकते हैं एफ इजकल टू आर बाई टू, ठीक है। दूसरा जो आपको इसमें डेराइव करने के लिए पूछा जा सकता है वो है गोलीय दर्पण का सूत्र। तो गोलीय दर्पण का सूत्र क्या है? वन बाई एफ इजकल टू वन बाई वी प्लस वन अपान यू। अब ये आया कैसे, ये देखिए हम आपको इसको डेराइव भी करवा रहे हैं कि आया कहाँ से, ठीक है। तो जो जो चीज़ें हैं उसको मैं इस वीडियो में डेराइव भी करवाऊँगा। जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको इस चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 9 में, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट है मैं वो सारे डेरिवेशन करवाऊँगा और साथ ही उसका सोल्यूशन भी बताऊँगा और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है ये भी चीज़ें बताऊँगा। और साथ ही इस चैप्टर में आपको जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट इस चैप्टर से अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनके लिए भी है जो फिजिक्स में 90 प्लस गेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसका डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि गोलीय दर्पण का सूत्र कैसे हम डेराइव करें। देखिए, मान लीजिए ये कोई दर्पण, ठीक है, दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु लंबवत स्थित है, ए बी, ये हमारा वस्तु है। दर्पण से वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, यू से, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, ठीक है। दर्पण के ध्रुव यानी मुख्य अक्ष से वस्तु की दूरी जो है वो यू होती है और प्रतिबिंब जहाँ पर बनता है उसको हम बोलते हैं V, प्रतिबिंब जहाँ पर बनता है उसको बोलते हैं बी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, ये हो जाएगा V, ठीक है। और दर्पण का फोकस एक होता है, ठीक है, दर्पण के फोकस को हम लिखते हैं F, क्लियर। आप देखो यहीं कहीं दर्पण का फोकस होगा F, पॉइंट F यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इतनी डिस्टेंस होती है हमारी F, स्मॉल F, क्लियर। आप देखो दूरी लिख लो, दर्पण के ध्रुव से यानी बिंदु P से वस्तु की दूरी पी बी बराबर कितना होगा, माइनस का यू, क्यों, क्योंकि ये कार्तीय तल के बाएं साइड स्थित है, ठीक है। बाएं साइड की सभी दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है और दाएं साइड की दूरी धनात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की ऋणात्मक, ठीक है। और हमारा प्रतिबिंब भी इसी साइड बन रहा था, वी भी निगेटिव, फोकस दूरी भी इसी साइड है तो ये भी निगेटिव, यानी तीनों चीज़ें हमारी क्या हो गई, निगेटिव हो गई। और वक्रता केंद्र P से लेकर C तक की दूरी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको R से डिनोट करते हैं। तो ये चारों दूरी हमने यहाँ पे राइट कर रखी है, ठीक है। और ये जो है चारों की चारों निगेटिव होंगी, क्यों, क्योंकि ये दर्पण के बाईं ओर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, एक ये दो समकोण त्रिभुज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी और
ए डैश बी डैश सी में, ये कोण कॉमन है, ठीक है, ये कोण कॉमन है। और दूसरा, ये कोण 90 है, 90 अंश। और समकोण त्रिभुज में दो कोण जब बराबर हो जाते हैं या तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि दो कोण किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये कोण और ये कोण दोनों इस त्रिभुज के क्या, छोटे छोटे, ये बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज दोनों में क्या है, ये कोण कॉमन है, तो ये बराबर हो गए। अब इसमें समरूपता की परिभाषा लगा देते हैं। तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके संगत भुजाएं भी क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो ए बी, ए बी की संगत कौन है, ए बी इस पर लंबवत, इस पर लंब कौन है, ए डैश बी डैश। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा बी सी बटे, बी सी की संगत कौन है, सी बी डैश। तो बी सी बटे बी डैश सी, ये इक्वेशन नंबर वन हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि बिंदु आर से जहां पर ये किरण जा रही है इससे मुख अक्ष पर हम क्या कर रहे हैं, एक लंब डाल दे रहे हैं आर एन, ठीक है। अब यहां पे भी आपके दो समकोण त्रिभुज बन गए, कौन कौन से, ए डैश बी डैश और एफ, ए डैश बी डैश एफ। ये देखो यहां पे एक छोटा सा दिख रहा है यहां पे आपको, ए डैश बी डैश एफ, ये ब्लू रेड लाइन और ये ग्रीन लाइन के बीच में एक छोटा सा ऐसे त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये ए डैश है, ये बी डैश है और ये एफ है। और दूसरा त्रिभुज बी डैश एन और आर में, बी डैश एन और आर में, या कह सकते हो आर एन एफ में, सॉरी बी डैश नहीं है, आर एन एफ, ठीक है, आर एन एफ। तो इन दोनों समकोण त्रिभुज में देखो ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये कोण बराबर है शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। अब इसमें भी समरूपता की परिभाषा लगा देते हैं। तो समरूपता की परिभाषा का मतलब आर बाई एन, आर एन अपान ए डैश बी डैश, आर एन अपान ए डैश बी डैश। तो आर एन अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपान बी डैश एफ, एन एफ अपान बी डैश एफ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका दो बन गया। अब क्या है यहाँ पे, आर्यन जो है, आर्यन की वैल्यू ए बी के बराबर है तो आर्यन की जगह हम क्या रख देंगे, ए बी। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ए बी अपान ए डैश बी डैश, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपान बी डैश एफ। ये क्वेश्चन नंबर वन, ये क्वेश्चन नंबर टू, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या बराबर है, तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर होगा। तो यानी बी सी अपान बी डैश सी इजकल टू एन एफ अपान बी डैश एफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि दर्पण का द्वारक हम क्या कर दें, बहुत छोटा कर दें, तो जो हमने लंब डाला है यानी हमारा जो बिंदु आर है वो बिंदु पी के बहुत ही पास होगा, यानी दर्पण इतना बड़ा ना उसको अगर छोटा कर दो तो ये जो पॉइंट आर है यहाँ पे वो और पॉइंट पी यहाँ पर है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पास पास हो जाएंगे, यानी एक ही बिंदु माना जा सकता है। तो जहाँ एन एफ की जगह हम क्या रख सकते हैं, पी एफ, एन एफ की जगह क्या रख सकते हैं, पी एफ। तो हमको ये मिल गया बी सी बटे बी डैश सी डैश इजकल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ। अब यहाँ पे देखना यह है कि जो हमारा यह है क्या नाम है, BC, BC को ऐसी दो भागों में तोड़ना जिसकी दूरी हमें पता हो। तो BC है क्या, BC, BC, तो BC को हम लिख सकते हैं PB, PB माइनस PC, PC पता है इसमें ला रहा है, तो PB, ठीक है, PB माइनस PC, इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको लिख दिया PB माइनस PC। नीचे B डैश C को क्या लिखना है, B डैश C को, ये रहा B डैश C, तो B डैश C को हम लिख सकते हैं PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश। तो इसको मैंने लिख दिया PC माइनस PB डैश, PF को वैसे ही रहने दो, और B डैश F को क्या लिख सकते हैं, B डैश F कहाँ पे है, ये B डैश, ये F, B डैश F को लिख सकते हैं PB डैश माइनस PF।
पी बी डैश माइनस पी एफ। पी बी की दूरी यहाँ पता है, चारों दूरी जो हमने रख रखी है वहीं से इसकी वैल्यू उठा के सभी की रख देना, तो ये वैल्यू रखने के बाद इतना आएगा। फिर इसको साइन के साथ अरेंज करना है। उसके बाद आप हमको क्या पता, अभी अभी पहले जो हमने आपको सबसे पहले बताया था इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध कितना होता है, आर इजकल टू टू एफ। तो जहाँ पर स्मॉल आर है उसकी जगह क्या कर दो, टू एफ रख दो। जहाँ पर स्मॉल आर है उसकी जगह पर टू एफ रख दो और उसके बाद तिरछा गुणा कर दो और फिर सबको एक साइड कर लो, ठीक है। तो ये मिल जाएगा, सबको एक साइड करने पर ये मिलेगा। फिर पूरे समीकरण में यू वी एफ से क्या करना, भाग कर देना है। तो जब पूरे समीकरण में हम यू वी एफ से भाग कर देंगे तो हमको ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ओके, आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है जो इसमें आपको पढ़ना, रेखीय आवर्धन क्या है, रेखीय आवर्धन क्या है, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन क्या है, इसकी पहले आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। रेखीय आवर्धन जो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गए प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के रेखीय अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यदि वस्तु की लंबाई ओ तथा प्रतिबिंब की लंबाई आई हो तो रेखीय आवर्धन एम बराबर होता है आई अपान ओ, ठीक है। और यही रेखीय आवर्धन एम इजकल टू आई बाई ओ होता है और होता है माइनस वी बाई यू भी होता है। इसको यहाँ पे डेराइव किया गया है, तो ये आप मैंने डेराइव करवाया था, ये काफ़ी इजी है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें केवल परावर्तन का नियम लगाना है और ये प्रूफ हो जाएगा। तो काफ़ी इजी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, नॉर्मली ये क्या आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गया, ये आपतन कोण आई हो गया या परावर्तन कोण आर हो गया, तो आप ठीक है। तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर हो जाता है। और यहाँ पे भी दो त्रिभुज बन रहे हैं ए बी पी, ठीक है, ए बी पी, और दूसरा बन रहा है पी ए डैश बी डैश। ये दो समकोण त्रिभुज आपको लेने हैं, ये दो समकोण त्रिभुज क्या करने लेने और इन्हीं को समरूप दिखा देना, बिल्कुल समरूप दिखा देना। ये कोण बराबर हो गए, ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए, त्रिभुज समरूप हो गया। तो त्रिभुज जब समरूप हो गया तो संगत भुजा यानी ए बी अपान ए डैश बी डैश इजकल टू क्या हो जाएगा, पी बी पी बी अपान पी बी डैश पी बी अपान पी बी डैश। अब दूरियां सारी ने माप लो, है क्या ये ए बी वस्तु की लंबाई, बी डैश ए डैश प्रतिबिंब की लंबाई, तो इसको क्या करना, ये हो गया। अब उसके बाद है पी बी, पी बी क्या है यू है और ये क्या है वी है, ठीक है, ये यू है और ये वी है। ये सारी चीजें हो गई हैं। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब हमारा नीचे है तो इसको हमने आई ले लिया, ठीक है। अब सारी सारी वैल्यू उठा के इसी समीकरण में आप रख दोगे तो फिर ये चीज आपको मिल जाएगा जो हमें प्रूफ करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए इस क्वेश्चन को। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात किसके बराबर होते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी n इक्वल टू होता है c बाई b, जहां पे c क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल और b जो है माध्यम में प्रकाश की चाल है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष, हाँ कभी कभी सापेक्ष में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो जिसके सापेक्ष पूछा जाता है वो पहले लिखा जाता है, वाटर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू, अब दूसरी साइड क्या होता है, एक रिस्पेक्ट होता है एयर, जो बाद में होता है वो पहले लिखा जाता है। तो एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे एयर के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये फार्मूला है सापेक्ष अपवर्तनांक याद करने का। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या आपको पढ़ना है, यदि पहले तथा दूसरे माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः बी वन व बी टू तथा प्रकाश की तरंग लेमडा व लेमडा टू हो, तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू हो जाएगा बी वन बटे बी टू, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे बी टू यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल इक्वल टू हो जाएगा लेमडा यानी पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बटे दूसरे माध्यम में
प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, या बराबर हो जाएगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अगला जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको करना है, गोलीय अवतल अथवा उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे गोलीय अवतल तथा उत्तल पर आपको क्या करना है, अपवर्तन का सूत्र लिखना है, ठीक है। तो अपवर्तन का सूत्र क्या निकल कर आएगा ये आपको लिखना है, इसको जो है हम किस तरीके से डिराइव करना है ये भी हम आपको डिराइव करके आपके सामने दिखा रहे हैं कि इसको कैसे आप एग्जाम में डिराइव करेंगे। जिस तरीके से हम डिराइव कर रहे हैं बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आप लोग एग्जाम में डिराइव करिएगा, एक भी मार्क्स कटेगा नहीं, ठीक है। गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे आपको डिराइव करना है, तो अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है गोलीय अवतल हो या गोलीय उत्तल हो, कोई एक पूछा जा सकता है, या कोई नहीं अगर पूछा तो आप अपनी इच्छा से चाहे गोलीय अवतल के लिए ड्राइव कर दीजिए या गोलीय उत्तल के लिए ड्राइव कर दीजिए। तो मैं गोलीय उत्तल के लिए ड्राइव कर दे रहा हूं, ये हमारा कौन सा पृष्ठ हो गया है, गोलीय उत्तल पृष्ठ है, ठीक है। ये गोलीय उत्तल पृष्ठ है, इसके लिए किस तरीके से अपवर्तन का सूत्र ड्राइव होता है इसको ध्यान से देखिए, अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आता है तो आप गोलीय अवतल के लिए भी अपने आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा एक गोलीय उत्तल हो गया। अब क्या करना है देखिए, यहां पे मान लेते हैं यहां पे बिंदु O पर कोई वस्तु रखी हुई है। अब यहां से एक प्रकाश किरण क्या हो रही है, जा रही है, और यह प्रकाश किरण अपवर्तित होकर क्या है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से यानी सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अब यहाँ पर आपतित हो रही थी, यहाँ पर हमने एक अभिलंब खींचा, एक क्या खींचा, अभिलंब खींचा। अब ये प्रकाश जो है अभिलंब की तरफ मुड़ गई, तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई तो इसको पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ पर प्राप्त हो रही है, तो यानी इसका यहाँ पर इमेज बन रहा है। आई ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर इमेज प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं जो वस्तु रखी है यहाँ से जो रेज जा रही है ये मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रही है, और जो इमेज बन रही है वो मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बना रही है, ठीक है। और जो हमारा अभिलंब खींचा गया है ये मुख्य अक्ष के साथ मान लेते हैं कितना कोण बना रही है, गामा कोण बना रही है, ठीक है। अब देखो अब बात है कि क्योंकि बार बार बताया जाता है जिस बिंदु पर आपतित होती है वहां पर आपतन कोण परावर्तन कोण, तो बिंदु इस बिंदु पर आपतित हो रहे थे, इस बिंदु पर एक अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसको हम आपतन कोण आई डिनोट करेंगे, और जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उसको परावर्तन कोण आर बोलेंगे। तो अब अभिलंब हमारा हो गया ये, ठीक है, एन हमारा अभिलंब है, अभिलंब के साथ ये ग्रीन वाली लाइन इंसिडेंट है आपतित किरण है, ये इसके साथ कितना कोण बना रही आई, तो इसको हम बोल दे देते हैं आपतन कोण, और यही किरण ऐसे परावर्तित हो रही, परावर्तित होने के बाद कितना कोण बना रही स्मॉल आर, तो इसको हम बोल दिए परावर्तन कोण है स्मॉल आर, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर लिखी भी गई है, ठीक है। आप देखो ये बिंदु पी इसका क्या ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी होती है यू, और कार्तीय तल के अकॉर्डिंग इसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है, माइनस यू। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब भी इसी साइड है, माइनस बी, ठीक है। ये उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या आर, क्योंकि ये दूसरी साइड है, प्लस में होगी। पी से सी तक की दूरी क्या हो गई हमारी, आर हो गई, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर इसको बोलते हैं। अब यहां पर दो त्रिभुज दिख रहा, त्रिभुज ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी, ओ ए सी में क्या दिख रहा कि अंदर बना कोण बाहर बने कोण के योग के बराबर होता है, तो अंदर कौन कौन सा कोण बन रहा हमारा, अल्फा बन रहा और गामा बन रहा, बाहर कौन सा कोण बन रहा त्रिभुज के, ये आई, तो ठीक है। त्रिभुज ओ ए सी में कोण आई बराबर कोण अल्फा प्लस कोण गामा, समीकरण नंबर एक। बहिष्कोण है, दूसरा बहिष्कोण कौन है, आर है, और ये किस त्रिभुज में बन रहा है, आई ए सी में, तो त्रिभुज आई ए सी में बहिष्कोण आर बराबर हो जाएगा बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। परंतु स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, आपतन कोण की जा बटी
परावर्तन कोण की जा जो है वो क्या होती है, माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाएगा एन टू बटे एन वन, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू हो जाएगा एन टू बटे एन वन। ठीक है, अब यदि बिंदु पी बिंदु ए के बहुत ज्यादा नजदीक हो, बिंदु पी जो है ये क्या हो जाए, बिंदु पी बिंदु ए के बहुत नजदीक हो, तो ऐसे सिचुएशन में आई और आर बहुत छोटे होंगे, क्या होंगे, बहुत स्मॉल होंगे। और जब कोण काफी छोटा होता है तब साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। ठीक है, जब कोण काफी छोटा होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी साइन आई बराबर आई हो जाएगा और साइन आर बराबर हो जाएगा स्मॉल आर। ठीक है, अब साइन आई की जगह हम क्या रखेंगे, आई, और साइन आर की जगह स्मॉल आर। तो ये रखने पर हमको ये मिला आई बटे आर बराबर एन टू बटे एन वन, गुणा कर लो आई एन वन बराबर आर एन टू। अब आई और आर की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या थी अल्फा प्लस आर, आर की वैल्यू क्या था बीटा प्लस गामा, सॉरी ये आर नहीं गामा है, अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा। अब इसमें से क्या करना है, गुणा कर दो, तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू एन वन प्लस गामा इंटू एन वन इक्वल टू बीटा एन टू प्लस गामा एन टू। हमने क्या किया, गामा को तो एक साइड कर दिया और अल्फा बीटा को एक साइड, तो अल्फा बीटा इधर कर दिया गामा उस साइड कर दिया। अब देखो इसमें से गामा कॉमन हो गया, एन टू माइनस एन वन हो गया, अल्फा एन वन माइनस बीटा एन टू इक्वल टू गामा एन टू माइनस एन वन। अब अल्फा बीटा गामा ये भी काफी जब छोटा हो जाएगा, यानी छोटे होने पर आई और बिंदु ए और जे बिंदु पी के काफी नजदीक हो जाएंगे, तो अब इसमें टेन अल्फा बराबर भी क्या हो जाएगा अल्फा, तो टेन अल्फा इसमें टेन अल्फा, ये रहा अल्फा। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये बिंदु यहां पे मान लिया गया, जे को पी पर मान लिया गया, तो ये काफी छोटा बनेगा। अब टेन अल्फा इक्वल टू होता है टेन अल्फा बराबर अल्फा हो गया, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या होगा, लंब हो गया ए जे या ए पी, लंब हो गया क्योंकि जे और पी एक ही बिंदु मान लिया गया है, तो चाहे एजे बोलो चाहे एपी बोलो, तो एजे या एपी बटे आधार कितना हो जाएगा ओपी, और ओपी कितना है माइनस का यू। ठीक है, तो और ये क्या है, इसकी हाइट को हमने एच मान रखा। ठीक है, तो एच अपान माइनस यू, इसी तरीके से टेन बीटा बराबर एच अपान माइनस भी बन जाएगा, टेन गामा बराबर एच अपान कैपिटल आर बन जाएगा। ठीक है, अब ये मान उठा के क्या करना, समीकरण नंबर चार में रख देना, किसका अल्फा बीटा गामा का, तो अल्फा बीटा गामा का मान उठा के यहाँ पे रख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन है, इसमें से एच कॉमन मिल गया इसमें भी, तो ये एच एच कैंसिल हो गया, इधर बचा एन टू माइनस सॉरी एन टू अपान बी माइनस एन वन अपान यू इक्वल टू एन एन टू माइनस एन वन इंटू वन बाई आर इंटू वन बाई आर। ठीक है, ये क्या है, यही हमारा गोलीय दर्पण का अपवर्तन का सूत्र है, यानी एन टू बाई बी माइनस एन वन बाई यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बटे आर। ठीक है, यही जो है गोलीय दर्पण के सॉरी गोलीय पृष्ठ के गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र है। क्लियर, अब क्या किया गया है कि इसमें एन वन से भाग कर दिया गया है, एन बराबर होता क्या है अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये होता है। ठीक है, अब एन से पूरे समीकरण में भाग कर दिया गया, इसमें एन वन से भाग करेंगे तो एन टू बटे एन वन हो जाएगा, इसमें एन वन से भाग करेंगे एन वन बटे एन वन इक्वल टू एन टू बटे एन एन, ये कैंसिल हो जाएगा एन वन एन वन, तो एन टू बटे एन वन की जगह हम कैसे लग सकते हैं एन, तो ये हो जाएगा हमारा क्या एन बटे वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई आर एन माइनस वन। ठीक है, तो चाहे आप ये यहां पे छोड़ दीजिए, अगर इसके आगे आ रहा तो अच्छी बात है, आप पूरा डेराइव कीजिए, यहां तक नहीं आ रहा तो यहां पे भी आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए, अब पतले लेंस के लिए क्या हो जाता है, यानी जब दो पतले लेंस आपस में रखे हुए हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या बनेगी, यानी दो लेंस इस तरीके से अगर आपस में चिपका के रखे हुए हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी बनेगी, ये कैसे ड्राइव करना है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो देखिए किस तरीके से इसको ड्राइव करना है, मैं भी उसको समझा रहा हूँ।
इसको किस तरीके से ड्राइव करना है कि ये पहला लेंस है, इसको दूसरे थोड़ी देर के लिए मान लो कि दूसरा लेंस नहीं रखा है, इसके लेंस का फार्मूला लिखो, 1/f1=1/b1-1/u, ठीक है। फिर दूसरे के लिए मान लो, पहला लेंस मान लो नहीं है, इसके लिए वस्तु का आकार कौन कर रहा, इसके लिए देखो L2 को थोड़ी देर के लिए हटा लो। तो जब L2 हम नहीं रख रहे हैं तो जो हमारा O पर वस्तु रखा है, ये आपतित होने के बाद सीधा यहां से निकल ले प्रकाश किरण, सीधे I पर जा रही, लेकिन सीधे I पे जाके नहीं जाके I पे आया, यानी I पर ये लेंस कन्वर्ज कर दे रहा, तो इस लेंस को हटा दो। जब ये लेंस नहीं रहेगा तो वस्तु हमारा कहां जाएगा, यहां पे, ठीक है, प्रतिबिंब यहां पे बनेगा, तो U ये हो गया और V ये यहां पे हो गया, तो इसको हम B1 मान लेते हैं। तो 1/f1=1 हो गया 1/b1-1/u, क्योंकि वस्तु यही। दूसरा, अब मान लो L2 नहीं, L1 नहीं है, तो L2 के लिए अब प्रतिबिंब वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, I, तो वस्तु का कार्य यानी U की जगह हम B1 रखेंगे और V की जगह है, तो ये है ही है, तो 1/f2=2 हो जाएगा 1/b-1/u होता है, तो U की जगह B1 रख देंगे, U की जगह B1, समीकरण एक समीकरण दो दोनों को जोड़ दोगे ये आ जाएगा 1/f1+1/f2=1/b-1/u, और ये होता क्या, ये फोकस दूरी का फार्मूला है, एफ यानी दोनों दो अगर संयुक्त दो पतले लेंस अगर आपस में संपर्क में रखे गए हैं तो उनकी जो संयुक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो है दोनों लेंसों के अलग अलग फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक है। अगर एक अवतल है दूसरा अवतल उत्तल है तो बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस, अगर जो उत्तल होगा वो प्लस में लिखा जाएगा और जो अवतल होगा उसकी फोकस दूरी माइनस कर दे। दूसरा अगर अवतल है तो यहां पे माइनस आएगा, पहला अगर अवतल है तो यहां पे माइनस आएगा, ठीक है। अगला क्या है इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना, अगला टॉपिक है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता W=2 होता है θ/Δy, θ/Δy, जहां पर डेल्टा वाई क्या है, ये एलो एलो प्रकाश की विक्षेपण क्षमता है, ठीक है, और ये θ=2 क्या होता है, dV/dr, विभार बैगनी और फॉर रेड, बैगनी और रेड के बीच जो कोण बनता है वो है हमारा थीटा, ठीक है, अपान में हो जाएगा डेल्टा वाई, या इसी को आप लिख सकते हैं NV-NR/NY-1, NV बैगनी रंग का अपवर्तनांक, रेड का अपवर्तनांक बटे पीले का अपवर्तनांक माइनस का वन, ओके। अब इस चैप्टर में दो टॉपिक और आपके बचते हैं जो बोर्ड एग्जाम में दोनों में से कोई एक पूछा ही पूछा जाता है, अवश्य पूछा जाएगा, ठीक है। अब वो दोनों टॉपिक आप देखिए, हाँ, इस चैप्टर में एक चीज और है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वो यह है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है और प्रिज्म में विचलन कोण कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है इस चैप्टर से संबंधित दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन का आना फिक्स है, ठीक है, तो आप दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपका जो है 5 नंबर आसानी से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा सिर्फ दो क्वेश्चन पे, तो बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ये जो दो क्वेश्चन लास्ट के बताने जा रहे हैं ये 5 नंबर आपको देके ही जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये ज्यादा पूछता है, ठीक है, दूरदर्शी वाला ज्यादा पूछता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कम पूछता है, तो आप फिलहाल दोनों तैयार रखिए, ठीक है, दोनों तैयार रखेंगे तो बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। अगर लक भाई आप एक तैयार करते हैं और जो आपने तैयार किया वो नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए जो है एक ही क्वेश्चन की बात है, तो या आप जो है इस दोनों क्वेश्चन को तैयार करिए, ये दोनों क्वेश्चन दोनों में से कोई ना कोई एक जो है बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो सबसे पहले हम किसी एक को समझते हैं, ठीक है, किसी एक की आवर्धन क्षमता को समझेंगे फिर दूसरे की बात करेंगे। तो पहले देखिए किसको देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी को, तो ये आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, क्या है ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जैसे कि फिगर मैंने बहुत ज्यादा
डेकोरेट करके नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत पूरे चैप्टर में पढ़ाते समय हम फिगर को काफ़ी ध्यान में देते हुए फिगर काफ़ी अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पर फिगर को हमने पेंसिल से बनाया है, ठीक है, क्योंकि ये फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसलिए इसको हमने ऐसे बनाया है। ये हमारा होता है अदृश्यक लेंस। पहले जो लेंस लगा होता है यानी जिसकी तरफ वस्तु होती है, इसको हम बोलते हैं अदृश्यक लेंस। तो पहले आप लेंस के बारे में जान लीजिए, फिर कैसे इसको डिराइव करना है, फिर इसको देखते हैं। अदृश्यक लेंस, इसको हम बोलते हैं अदृश्यक लेंस। ये जो होता है, जो आईज के पास होता है, यानी आंख, यहाँ पे आंख आपको दिख रही है, ठीक है, ये होता है नेत्रिका लेंस। ये हो गया आपका नेत्रिका लेंस, क्लियर। अब अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को एफओ से डिनोट करते हैं और नेत्रिका की फोकस दूरी को एफ ई से। इतनी बात क्लियर हो गई। अदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं यू ओ, ये हो गई यू ओ, अदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है। अब यह है नेत्रिका लेंस, तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को हम लिखते हैं एफ ई, तो इसका एफ ई भी साइड होगा, एफ ई दोनों साइड इसके फोकस दूरी होते हैं, इसका भी दोनों साइड होगा, ठीक है। तो एफ ओ यहाँ पे एक को मेन मानो, एक को डैश मानो, इसको डैश मान लेते हैं, ये मेन हो गया। अब देखो, अब अदृश्यक लेंस के सामने एक वस्तु रखी हुई है ए बी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अदृश्यक लेंस के दूसरी साइड ए डैश बी डैश पर, कहाँ बन रहा है, ए डैश बी डैश। अब यही वस्तु नेत्रिका लेंस के लिए काम क्या करेगा, वस्तु का ये जो है, अब नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम करेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी यानी यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखेंगे वी जीरो, क्योंकि ये जीरो का मतलब ओ, अदृश्यक लेंस से बात हो रही है, ठीक है, तो ये अदृश्यक लेंस से हो गया। अब जो बात करेंगे, अब ये वस्तु यानी ये जो इमेज बन रहा है, ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा यानी ऑब्जेक्ट का, तो नेत्रिका लेंस से इसकी दूरी कितनी होगा, यू ई, ई फॉर आईज, ठीक है, यू फॉर आईज, तो यहां से इसकी दूरी क्या होगा, यू ई, और इसका प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के आगे यहां पर बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वी ई, इसको बोलते हैं वी ई, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक, तो ये वी ई है, इसी को हम अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर भी बोलते हैं, तो इसको लिखते हैं डी, क्यों, क्योंकि अगर ये प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर नहीं बनेगा तो हमको साफ साफ नहीं दिखाई देगा, तो ये मान लीजिए हमारा क्या होगा, डी। तो फिगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो ये अब इसके संयोजन क्षमता की बात कर लेते हैं, कि इसके संयोजन क्षमता भी आपको लिखनी होगी। इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें, पहले तो आपको रचना लिखनी पड़ेगी यानी संरचना है, ये किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, संरचना आप लिख लिए। संरचना लिखने के बाद आपको संयोजन क्षमता लिखनी होगी यानी संयोजन, ये किस तरीके से संयोजित होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी नेत्रिका लेंस होती है, इसको आगे पीछे हम इस प्रकार से समायोजित करें कि इसमें एक क्रॉस तार लगा होता है, वो क्रॉस तार हमको अस्पष्ट दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी संयोजन क्षमता होती है यानी इस तरीके को हम समायोजित करते हैं। प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कैसे कहाँ बनना, वो मैंने अभी भी आपको मैंने बताया कि इसके सामने वस्तु रखी, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, और यही प्रतिबिंब जो है नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं जो मेन है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता आवर्धन क्षमता, तो किसी भी दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, कि आवर्धन क्षमता इज इक्वल टू होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, ठीक है। तो क्या होता है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा वस्तु पर बना, सॉरी, आवर्धन क्षमता इसको लिखते हैं कैपिटल एम इक्वल टू अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण
बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। आंख पर बना कोण, ठीक है। तो अंतिम प्रतिबिंब कहां है, यह ए डबल डैश बी डैश, यह हमारा अंतिम प्रतिबिंब है। यह हमारी आंख पर कितना कोण बना रहा, मान लेते हैं यह हमारी नेत्रिका है, यहां पर हमारा कोण बनाता है बीटा, ठीक है। दूसरा है प्रतिबिंब द्वारा, यानी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, तो वस्तु हमारी आंख पर कितना कोण बनाती है उसको हम लिखते हैं अल्फा से, उसको किससे लिखते हैं अल्फा से, ठीक है। तो वस्तु यह है, यह हमारी आंख पर कितना कोण बना रही है इसको हमको लिखना है। तो यहाँ पे इसको मैंने मिलाया नहीं है तो मिला देता हूँ, यहाँ से प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर चलेगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, ठीक, क्लियर होगा। तो जो वस्तु हमारे आंख पर कोण बनाती है उसको हम लिखते हैं अल्फा, ठीक है। तो वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण क्या होता है, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण अल्फा होता है, ठीक है। और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा कितना होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण होता है बीटा। तो इस हिसाब से आवर्धन क्षमता कैपिटल एम बराबर क्या हो गया, बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा। अब हमें इसी अल्फा और बीटा का मान उठा के रखना है, अल्फा और बीटा का क्या करना, मान उठा के रखना है। तो इसी अल्फा और बीटा का हमें क्या करना, मान रख देना और पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब ये मान निकाला कैसे जाए, ये मान कैसे निकाला जाए, तो बीटा यहां पर है इस त्रिभुज के लिए। तो देखो बीटा सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्योंकि कोण काफी छोटा है तो टैन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन बीटा, टैन बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो टैन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश, क्योंकि वस्तु प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब यही है ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश बटे लंबो बटे आधार होता, तो आधार हो गया हमारा कौन, यहां से नेत्रिका लेंस है, इसकी दूरी कितनी दूरी है, ये नेत्रिका लेंस ये ई है, तो ई ए डबल डैश, ई ए डबल डैश, ई ए डबल डैश, ठीक है। तो ओके ठीक है, ये निकल गया टैन अल्फा इक्वल टू क्या होता, वस्तु द्वारा, और वस्तु क्या हमारा यहां पे ए बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी बटे डी, ठीक है, टैन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी बाई डी। यही टैन अल्फा का यही मान आप दूरदर्शी हो या सूक्ष्मदर्शी हो सभी में रखेंगे, टैन अल्फा का यही मान सब आप जो है सभी में रखेंगे, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी हो, ठीक है। अब यहां पे ये मान उठा के रख देना है, तो m इक्वल टू क्या मिल गया, बीटा बाय अल्फा, बीटा का मान कितना है, a डबल डैश, a डबल डैश b डैश अपॉन a, ठीक है। तो a डबल डैश b डैश है क्या चीज, a डबल डैश b डैश, a डबल डैश b डैश, या जो कोण हमारी आंख पर ए डबल डैश बी डैश बना रहा वही कोण तो क्या ए डैश बी डैश भी बना रहा, तो इतनी दूर आने की जरूरत ही क्या, हम यहीं से निकाल लेते हैं। या टेन बीटा बराबर एक और हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई, ए डैश ई, और ए डैश ई से तक दूरी हमको पता है कितनी है, ए डैश ई कितनी दूरी हमारी है, यू ई, ये कितनी दूरी है यू ई, माइनस का यू ई हो जाएगा क्योंकि इस साइड है यू ई, और ए बी ए डैश बी डैश कितना होगा, ठीक है। तो ये मान उठा के हम यहां पे रख देते हैं, तो बीटा का मान कितना आ गया, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपान ए डैश ई, ए डैश ई बटे अल्फा का मान ए बी बटे डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब भिन्न में भिन्न से भाग देते हैं तो भिन्न का क्या हो जाता है, प्लट के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ए डैश बी डैश
अपॉन ए ई इंटू डी बाई ए बी। ठीक है, अब ए डैश बी डैश के नीचे आप ए बी को ले आओ, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी बाई ए ई, और ए ई है कितना, ए ई ए ई नहीं होगा, ए डैश ई होगा, सॉरी यहां पे डैश छूट गया है, ये डैश ई। ठीक है, ए डैश है कितना, ए डैश ई यू ई, ए डैश ई, ए डैश ई यू ई। ठीक है, तो माइनस का यू ई हो गया, तो ये हो गया डी बाई माइनस का यू ई। अब इंटू ए डैश बी डैश अपान ए बी, क्या चीज है, ए डैश बी डैश अपान ए बी, ये प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होता क्या, आवर्धन क्षमता, किसके लिए हो गया, अवदृश्यक लेंस, तो अवदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता यानी एम ओ, अवदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता हो गया ये एम ओ हो गया। ठीक है, और एम ओ इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आवर्धन क्षमता, एम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या माइनस बी अपान माइनस यू, तो वी यहां पे अवदृश्यक लेंस की बात हो रही है, तो वी जीरो जीरो जीरो। ठीक है, तो यहां पे उसकी वैल्यू रख दो, तो कैपिटल एम इजकल टू यानी मैग्निफिकेशन इजकल टू हो गया हमारा, निकल के आ गया डी वाई माइनस का यू ई इंटू माइनस वी जीरो अपान यू जीरो। ठीक है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, ये भी माइनस में ही आएगा मेरा डी, सॉरी डी भी क्या इसी साइड है, तो डी भी नेगेटिव में आ जाएगा, कहाँ गया, कहाँ मैंने रखा है, यहाँ पे रखा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपान ये आ जाएगा माइनस का वी जीरो अपान यू जीरो इंटू डी बाई यू ई। ये हमारा आया मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये आया दूर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला। ठीक है, अब जब वस्तु अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो तब क्या हो जाएगा, केस देखो, जब वस्तु सीधे लिख दो डी पर बनता हो, सॉरी वस्तु नहीं प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर हो, डी पर बनता हो तब क्या हो जाएगा, तो अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, डी पर, तो फोकस दूरी हमारी अंतिम प्रतिबिंब, तो फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू, वी की जगह माइनस डी और 1 बाई यू की जगह माइनस यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा यहां से ये प्लस हो जाएगा 1 बाई यू ई, ये दूसरी साइड जाएगा 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी, 1 बाई डी। अब क्या कर रहे हैं, डी से पूरे समीकरण में भाग कर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी अपान यू ई इजकल टू हो जाएगा डी बाई एफ ई प्लस 1, डी बाई एफ ई प्लस 1। अब यही डी बाई यू ई, डी बाई यू ई का मान यहाँ पे रख देना, तो आवर्धन क्षमता एम बराबर कितना निकल के आ जाएगा, एम इजकल टू आ जाएगा माइनस बी जीरो अपान यू जीरो, और ये हो जाएगा डी बाई एफ ई प्लस 1। और ये है क्या चीज, इसको आप एम जीरो भी ले सकते हैं, एम जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं दूरदर्शी की। ठीक है, तो दूरदर्शी का क्या है, आवर्धन क्षमता कैसे निकाला जाएगा उसको भी देखिए। दूरदर्शी, ठीक है, दूरदर्शी में पहले आप लिखेंगे दूरदर्शी के बारे में, दूरदर्शी है क्या, कि दूरदर्शी जो है एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा बना दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कोई भी दूर स्थित वस्तु है उसका प्रतिबिंब आसानी से नजदीक में अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, रचना ये किस तरीके से होता है, इसमें एक धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी की लेंस तथा दूसरे सिरे पर छोटी फोकस दूरी की लेंस लगी होती है। बड़े फोकस दूरी को हम अवदृश्यक लेंस कहते हैं और छोटे फोकस दूरी वाले लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ये रचना में आ गया। समायोजन क्षमता, फिर इसमें क्या, सबसे पहले नेत्रिका यानी छोटी नली को आगे पीछे खिसका कर
क्रॉस तार पर फोकस कर लेते हैं। इसके बीच में भी एक क्रॉस तार होता है, फोकस कर लेते हैं जिस पर हमें वस्तु को देखना होता है, यानी वो क्रॉस तार जहाँ जिस पर हम इसको फोकस करते हैं वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। ठीक है, अगर ये क्रॉस तार पर फोकस किया गया, देखो इधर ये भी सब क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर ये फोकस किया गया तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब देखा जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, चलो ठीक है। अब प्रतिबिंब बनता कैसे है, अदृश्य लेंस के सामने जो हमारा वस्तु है इसका प्रतिबिंब जो है अदृश्य लेंस के दूसरी साइड ए डैश बी डैश पर बनता है, प्रतिबिंब ए बी का फिगर प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखो ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है यहां पर बन रहा है, तो ये अदृश्य को हम लिखते हैं ओ से, तो ये हो गया हमारा, इसकी फोकस दूरी को हम क्या लिख सकते हैं एफ ओ, एफ ओ ये नेत्रिका लेंस है तो इसकी फोकस दूरी को लिखेंगे एफ ई, एफ ई। ठीक है, एफ ई इसका फोकस ये हो जाएगा एफ ओ, क्योंकि पहले ही पता है कि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है फोकस पर, तो अब दृश्य लेंस का फोकस ये है तो इसके फोकस पर यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आवर्धन क्षमता की, ये हो गई प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब किस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे वस्तु रखी हुई दूर स्थित तो इसका प्रतिबिंब अदृश्य लेंस के फोकस पर बन रहा है, अदृश्य लेंस के फोकस पर जो प्रतिबिंब बन रहा है ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रही और नेत्रिका लेंस इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के इस साइड ए डैश ए डबल डैश बी डैश पर बनता है। आवर्धन क्षमता की बात करते हैं, आवर्धन एम इजकल टू क्या हो जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, आंख पर बना कोण। ठीक है, तो हमने कहा था कि अंतिम प्रतिबिंब जो आंख पर कोण बनाता है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं और वस्तु जो बनाता है उसको अल्फा से, और टेन अल्फा इजकल टू कैसे हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये अल्फा बीटा काफी छोटे हैं तो टेन बीटा इजकल टू हो जाता है हमारा बीटा, और ये अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब है कहाँ पर हमारा ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश जो हमारी आंख पर कोण बना रहा वही कोण जो है ए डैश बी डैश भी बना रहा, तो यहाँ पे बीटा कोण बनेगा, तो बीटा इजकल टू क्या होता है लंब बटे आधा, लंब हो जाएगा हमारा बी ए डैश बी डैश, ए डैस बी डैस आधार हो जाएगा हमारा यहाँ पे ई होता है नेत्र का ये वो। ठीक है, तो ई ए डैस, ए डैस ई। ठीक है, अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा टेन अल्फा इजकल टू होगा अल्फा, और ये हो जाएगा ए बी अपान डी, ए बी अपान डी। ठीक है, ये हमने कहा था टेन अल्फा चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो या आपका खगोलीय दूरदर्शी हो, टेन अल्फा सभी के लिए सेम होगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देना हमको, तो m इक्वल टू कितना मिल जाएगा tan अल्फा और tan बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है a डैश b डैश अपान a डैश e अपान अल्फा की वैल्यू ए बी बाई डी। ठीक है, ये हमारी वस्तु है जो हमारे यहाँ पर कोण बना रही अल्फा, कितना कोण बना रही अल्फा, तो आप tan अल्फा इक्वल टू आप ए बी लिख सकते हो ए बी अपान ओ ए, ओ ए ओ। ठीक है, ओ ए तो इसकी जगह हम लिख देते हैं ओ ए। अब वैल्यू रख लेना, क्या करना सबकी वैल्यू रख लेना, तो देखो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ऐसे ही रहेगा ए डैश बी डैश, ए ई, ए ई है क्या चीज, ये इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए कौन सा काम कर रहा वस्तु का कार्य कर रहा। ठीक है, तो सारी दूरी हम क्लियर कर दे रहे हैं आपका, जो यहां पे आपका है देखिए फिगर में सारी दूरी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ये है आपका अदृश्यक लेंस। ठीक है, तो अदृश्यक लेंस से यहां तक की जो दूरी है ये एफ ओ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी लिखा भी है इसको एफ ओ लिखेंगे, प्लस में रहेगा क्योंकि लेंस के दाहिने साइड में है, ये अल्फा बना रहा है ये कोण भी अल्फा बनेगा, तो अल्फा के लिए देखो आप यहां भी लिख सकते हो ए बी अपान
ये हो गया, या ए डैश बी डैश अपान ओ ए डैश, ओ ए डैश, ठीक है। तो ए ए डैश बी डैश अपान ए ओ डैश कितना है, ए ओ डैश प्लस का एफ एफ ओ, एफ ओ हो गया, एफ ओ हो गया, ठीक है। ये आ गया टेन अल्फा का मान। अब देखो ए डैश बी डैश अपान ए डैश ई, ए डैश ई ये क्या वस्तु का कार्य कर रहा था, यानी माइनस का यू ई, तो ये हो गया ए डैश बी डैश अपान माइनस का यू ई, माइनस का यू ई, ठीक है। ये हमारा हो गया टेन बीटा का मान। तो अब यही मान उठा के यहां पे रख देना, ए डैश बी डैश अपान बीटा का मान है माइनस यू ई अपान अल्फा का मान कितना निकाला गया है, ए डैश बी डैश अपान एफ ओ, तो ए डैश बी डैश से कैंसिल हो गया, एफ ओ ऊपर चला गया, तो एफ ओ अपान यू ई माइनस का, तो ये आपका आ गया आवर्धन क्षमता एम इजकल टू, आवर्धन क्षमता एम इजकल टू आ गया एफ ओ माइनस का और यू, ठीक है। अब केस, अब यहां पर डी वाला केस ले आते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात डी पर हो, तो क्या हो जाता है, वन बाई एफ इजकल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, क्योंकि ये बात हो रही है नेत्रिका लेंस के लिए, तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, वन अपान एफ ई, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की वन बाई डी, और यू ई माइनस वन बाई माइनस यू ई, तो ये माइनस ये सॉरी ये माइनस ये माइनस इसको कर देगा प्लस, ये आ जाएगा वन बाई डी प्लस वन बाई यू ई, वन बाई यू ई, ठीक है। यहाँ पे आपका डी भी निगेटिव होगा क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लेंस की इसी साइड होगी, तो ये माइनस में। अब जो इसको दूसरे साइड भेज देते हैं माइनस माइनस, तो वन अपान यू ई इजकल टू वन अपान एफ ई, इधर पहले से ही है, ये माइनस में इधर आएगा, ये भी प्लस हो जाएगा वन अपान एफ डी, वन अपान डी, और ये वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देना है, तो ये वैल्यू यहाँ पे आप उठा के रखेंगे तो एम इजकल टू मिल जाएगा माइनस एफ ओ इंटू वन अपान यू ई की जगह वन अपान एफ ई प्लस वन बाई डी, वन अपान एफ ई प्लस वन बाई डी। अगर एफ ई को हम इसमें से कॉमन ले लें तो एफ ई को माइनस एफ ई एफ जीरो अपान एफ ई, यहाँ बचेगा वन और यहाँ पे चला जाएगा एफ ई बाई डी, ठीक है। तो जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तो आवर्धन का ये फार्मूला निकल के आता है, ये आपसे पूछेगा, ठीक है, कि वस्तु कहां पर अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर बन रहा तो ये ड्राइव करना, अगर कहीं नहीं पूछेगा तो नहीं, ठीक है। अब दूसरा, जब वस्तु अनंत पर बन रहा हो, ठीक है, प्रतिबिंब दूसरा कहां पर है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता हो, अनंत पर बनता हो, तो यही पर देख लो केस टू, केस टू, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, यानी v इक्वल टू इनफाइनाइट, तो वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान इनफाइनाइट माइनस वन अपान माइनस का यू ई, तो ये प्लस हो गया, तो वन अपान एफ ई ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू सॉरी जीरो प्लस वन अपान यू ई, तो वन अपान यू ई इक्वल टू कितना मिल गया, वन अपान एफ ई, यह एम्प्लाइज करेगा यू ई इक्वल टू एफ ई, तो यू ई जहां पर है उसकी जगह हम क्या रख देंगे एफ ई, तो फार्मूला हमारा एम बराबर क्या था, एम बराबर था माइनस एफ जीरो अपान एफ ई, अब एफ ई की जगह क्या रख देंगे सॉरी यू ई, फार्मूला हमारा था यू, यहाँ पे यू ई था, यू ई की जगह अब हम एफ ई रख देंगे, तो माइनस एफ ओ अपान एफ ई, जब वस्तु अंतिम प्रतिबिंब जो है जब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता का ये फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है।
कल का जो हमारा वीडियो होगा वो पूरे बुक से 50 महत्वपूर्ण डेरिवेशंस का होगा, ठीक है। कल का जो मेरा वीडियो होगा वो पूरे चैप्टर से यानी पूरे बुक से जो है 50 महत्वपूर्ण डेरिवेशन का होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। इसमें क्या है कि पूरे बुक से पार्ट वन और पार्ट टू दोनों पार्ट की बात कर रहे हैं, दोनों पार्टों में से मिलाकर मैं 50 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कलेक्ट करूंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए कि ये वीडियो चाहिए। हेलो वेलकम, अगर अब तक यूट्यूब के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।